सो नमस्कार वेलकम टू एस जी के जी स्टडीज़ गुरु जी यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पर हम जी एफ आर के दो क्लासेस कर चुके हैं और दो क्लासेस जी एफ एस जी एफ आर के लेने के बाद से एक एम सी क्यू का सेट भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ये दूसरा एम सी क्यू का सेट है एम सी क्यू का सेट प्रैक्टिस करने से क्या होगा हमारा नॉलेज जो है इन डेप्थ नॉलेज होगा टू द पॉइंट हमारा इंफॉर्मेशन होगा हमारा जो हमारी जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रगाढ़ होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जरूरी है तो आइए एमसीक्यू के दूसरे सेट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वेन द मेंटेनेंस ऑफ एनी रेंटेबल बिल्डिंग इज इंटरेस्टेड टू ए सिविल डिपार्टमेंट अदर देन सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सी पी डब्ल्यू डी हु among the द फॉलोइंग शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यू रिकवरी ऑफ द thereof? देयर ऑफ कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई रेंटल बिल्डिंग दिया जाता है अदर देन सी पी डब्ल्यू सी पी सी पी डब्ल्यू डी को तो रेंट रिकवरी किसकी ड्यूटी होगी मैं आपको बताता हूँ मान लीजिए कि ई एस आई सी में आप ऑफिसर हैं और जहाँ पे आप पोस्टिंग में हैं वहाँ पर पीएफ वालों का ज़्यादा क्वार्टर है खाली है तो चूँकि पीएफ वालों के पास खाली है इसलिए ये उसको रेंटेड उस बिल्डिंग को रेंट पर ले लेगी और अपने स्टाफ को अलॉट करेगी तो अलॉट करने के बाद से क्वेश्चन है राइजेज हुपॉन्सिबल फॉर ड्यू रिकवरी ऑफ द रेंट देयर ऑफ़ तो उससे रेंट कौन लेंगे मुझे लगता है आंसर क्लियर है समझ में आ चुका होगा आपको इज इट हेड ऑफ़ द ऑफिस कंसर्न इज इट हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कंसर्न इट इज इट अकाउंट ऑफिसर ऑफ एट द मिनिस्ट्री और इट्स डी डी ओ ऑफ द कंसर्न सो द आंसर इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न जिस डिपार्टमेंट का इम्प्लॉ जिस डिपार्टमेंट के अफसर ने वहाँ पर रेंटेड uh, बिल्डिंग में ऑक्यूपाई किया है उनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ द रेंट नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर जी एफ आर टू थाउजेंड सेवेंटीन द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विच हैव नॉट बीन डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट ऑथरिटी शेल वेस्ट इन दैट मीन्स रेसिजरी पावर रेस्ट विद होम जितने भी फाइनेंशियल पावर है करीब करीब डेलीगेट कर करके जी एफ आर में दिया हुआ है अगर नहीं दिया हुआ है अगर डेलीगेशन नहीं है तो जो रेसिज्युरी पावर है वो किसके साथ रेस्ट करती है इट पार्लियामेंट और बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी फाइनेंस मिनिस्ट्री द आंसर इज फाइनेंस मिनिस्ट्री Why answer is Finance Ministry? Parliament is legislative body. So, legislative body is there only to enact the laws. Implementation of law is nowhere uh, uh, duty of the parliament. So, parliament cannot be. President of India, yes. President of India is executive head also, and president of India is legislative head also. बट हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द डेलीगेशन ऑफ पावर एंड डेलीगेशन ऑफ पावर जी एफ आर इज इज सूड बाई मिनिस्ट्री सो इन दिस केस इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सब काम ही नहीं है इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें आता ही नहीं है तो फिनेंस मिनिस्ट्री का ये काम है और फिनेंस मिनिस्ट्री जो है पावर अपने पास रखती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू शैल कीप हु एमोंग द फॉलोइंग इनफॉर्म ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट वेरिएशन इन रेवेन्यू कलेक्शन एज कंपेयर विद द बजट एस्टीमेट सो इसमें किसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो अपना जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन है वो इन्फॉर्म करके रखेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको इन्फॉर्म करेगा रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में ए इज इट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इज इट पार्लियामेंट सी इज इट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी इट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री सो अगेन आंसर इज नोन टू यू president of india is not there parliament cannot be it is not the duty of the reserve bank of india so this is highlighting for you finance ministry right next under which article of the constitution of india all money received by a deposited with any officer employed in connection with the affairs of union in his capacity as such other than revenues or public money is raised or received by government shall be paid into the public account so constitution of india se ye question hai kyunki ye finance related hai isliye ye hamare liye relevant ho jata hai तो इसमें to the point अगर Constitution के article, उस article को हमें ध्यान रखना पड़ेगा so, वो article जो है article 284 है Article 284 में ये प्रोविजन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हु एम द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू वॉच द रियलाइजेशन ऑफ मिसलेनियस डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट नॉट फॉलिंग अंडर द ऑर्डिनरी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सच एज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल फंड्स कंट्रेक्टर्स एंड अदर टुअर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस सो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू वॉच द रियलाइजेशन ऑफ दिस मिसलेनियस डिमांड्स इज इट अकाउंट ऑफिस Is it head of department? Is it secretary in charge of accounts wing or none of the above? And the answer is accounts officer. Accounts officer has been given this responsibility. 15 Under Rule 19 of GFR, which central government department is exempted from submitting the first on the 1st June? to the audit officer and accounts officer concerned that means some papers has to be submitted on 1st june to audit and accounts officer so, which of the agency is ex exempted from them yes as per gfr some agency is exempted is it department of expenditure is it department of telecom is it department of post or its department of agriculture and the answer is department of posts yes department of post is exempted please note it very important question department of post is exempted from submitting return on 1st june question number 17 as per rule 19 9 of gfr 2017 it is the duty of the department of the central government concerned to ensure that receipt and dues of the government are correctly and promptly assessed, collected, and duly accredited to the where it should be credited. Question is as per Rule 9, where it should be credited to consolidated fund, to public account.

जिनके डिस्क्रिशन पर फंड आता है उनकी क्या क्या ड्यूटी इसमें से हो सकती है दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द बजट एलोकेशन जितना आपके पास एक्सपेंडिचर है वो बजट एलुकेशन से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है बजट एलुकेशन दस लाख का है और एक्सपेंडिचर आप ग्यारह लाख का करेंगे दैट द एक्सपेंडिचर इज इंक्र्ड फॉर द पर्पज ऑफ फॉर विच फंड हैव बीन प्रोवाइडेड फंड जितना भी मिलता है वो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है तो फंड यूटिलाइज भी उसी पर्पज के लिए करना है सो इसको भी देखना है देन दैट द एक्सपेंडिचर इज इंक्र्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट और ऑल ऑफ द एब सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव Question number 19 Which among the following is our duties and responsibility of controlling officer in respect of funds placed at this disposal? So, this is repetition. Question number 20 is, General system of financial management is discussed in which chapter of the GFR 2000. That chapter is chapter number 2. Battery is running short. So, we will meet in the next class. Till then, namaskar.